कोरोना वायरस की महामारी ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में महामारी से बचने के लिए प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं ने कमर कस ली है, जिसके चलते आम जनता से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। वहीं सार्वजनिक कार्यक्रमों को रद्द कर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते मध्य प्रदेश शासन ने स्कूल कॉलेजों की छुट्टी घोषित कर शॉपिंग मॉल्स और सिनेमा घरों सहित सार्वजनिक आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं स्वास्थ्य की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं सिवनी जिले के लखनादौन में कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते आम जनता को सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते बाजार से मास्क गायब हो गए हैं, जिनकी अब कालाबाजारी की जा रही है। वहीं कोरोना से बचने के लिए पुलिस के जवान गमछे का उपयोग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस से संबंधित झूठी अफवाहों फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके रोकथाम के लिए अभी तो ऐसी कोई दवाई नहीं है, वैक्सीन वगैरह याद नहीं हुई है, लेकिन आपको सुरक्षा खुद रखना है। इसके लिए मास्क पहने और जो खांसने वाले व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी बना के रखें, और कोई भी लक्षण हो जैसे बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में आकर संपर्क करें। सर, आपका क्या नाम है और आप किस पद में? मैं डॉक्टर अश्विनी पटेल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धुमा में एज ए मेडिकल ऑफिसर विगत 4 वर्षों से पदस्थ हूँ। ये सब माननीय SDM महोदय के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में आज यहाँ पर कोरोना वायरस के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठन के प्रमुख लोगों की बैठक ली गई और उनको हमारे जो आदरणीय डॉक्टर साहब हैं सोलंकी साहब, उनके द्वारा उसके संबंध में बारीकी से जानकारी दी गई कि कैसे हम उससे बचाव कर सकते हैं और क्या क्या सावधानी हमको रखना चाहिए। और यहाँ पर अभी लगातार 20-20 लोगों को बुला करके, एक बार में 20 लोगों को, फिर 20 लोगों को, ऐसा बारी बारी से लोगों को बुला करके और समझाइश दी जा रही है। इसमें कोरोना वायरस के संबंध में जैसे हम लोग जान रहे हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कोई ऐसा केस पॉजिटिव नहीं निकला है, लेकिन चूंकि ये जो है नेशनल हाईवे पे स्थित है हमारा लखनादौन और पूरा सिवनी ज़िला, साथ ही महाराष्ट्र के बॉर्डर में है, इसलिए अतिरिक्त सावधानी हमको बरतना है। और ही सावधानी के तत्वाधान में हमने सभी तरह के ग्रुप्स में, चाहे वो स्कूल कॉलेज के लोग हों, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हों, कोचिंग संस्थान हों, कॉलेजेस हों, PGDCA DCA वाले संस्थान हों, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स हों, इसके अलावा जिम हों, कोई भी पब्लिक प्लेसेस वाले लोग हों, धार्मिक विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए महानुभाव हों और हमारी शांति समिति के बुद्धिजीवी गण हैं, इन सभी लोगों को यहाँ थाने में, थाना लखनादौन में हम लोग अलग अलग समय में बैठ बैठ के इनको कोरोना वायरस के संबंध में, हमारे साथ में BMO साहब हैं, वो उसकी प्रारंभिक जानकारी भी दे रहे हैं। मरीजों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं की है और जो स्टाफ जो काम कर रहा है उनके सबके लिए की हुई है। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए सर, ये क्यों नहीं की गई अभी? नहीं नहीं, ये पब्लिक को बताया गया कि सैनिटाइजर जो है घर में कैसे बनाया जा सकता है, वो अपना खुद से हैंड वॉश करके अस्पताल में आए। मतलब आपकी तरफ से कुछ व्यवस्था नहीं की गई, बस समझाइश तो वैसे सभी लोग दे ही रहे हैं, समझाइश स्पेशल क्या व्यवस्था की गई? अपने अपने यहाँ जो है इतनी जनता है, अपन जनता का जो फुल डिमांड नहीं कर सकते इतना, अपन जो है अपने आप को खुद को साफ रखें और मास्क पहन के रहें। मास्क की जगह अपन अपना जो स्कार्फ है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब मास्क की इतनी सप्लाई नहीं है, जनता को सप्लाई नहीं किया। लोग इसको भ्रम फैला रहे हैं, असफलता बता रहे हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है एक राष्ट्रीय विपदा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विपदा है। आज 167 देशों में यह रूप फैल चुका है। ग्रामीण अंचलों तक पे ऐतिहासिक तौर पर सावधानियां बढ़ती जा रही हैं। कल हमारे छोटे से नगर धुमा में स्वास्थ्य विभाग, RES विभाग, PHE विभाग, सभी विभागों की मीटिंग हुई, जिसमें सभी गणमान्य नागरिकों को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें बताया गया कि संक्रमण का रोग है जी और 1 मीटर दूर से बात करनी है, साफ सफाई से रहना है, बाहर से आओ तो कपड़े धोना है, नहाना है, हाथ धोना है, बार बार हाथ धोकर खाना खाना है। इस प्रकार की बहुत सी सावधानियां हम सब जनता को बता रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को बता रहे हैं, पंचायत स्तर पर भी इसकी तैयारियां हैं, पंचायत स्तर पर भी सचिव सरपंचों द्वारा और ग्रामीण के प्रबुद्ध जनों द्वारा, छोटे छोटे जनप्रतिनिधियों के द्वारा बैठकें आयोजित कर कोरोना के संबंध में समस्त जानकारियां ग्रामीणों को दे रहे हैं।
भारत में कोरोना वायरस से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं करीब 200 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित सामने आए हैं, जिसके चलते पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित कर कुछ दिन सतर्कता बरतने की अपील की है। खबर मध्य प्रदेश के लिए सिवनी से उत्तम सैन की रिपोर्ट।